काम्या, हम छोटे बच्चे नहीं है, हम सब समझ रहे हैं। अरे ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि गीतू की किडनैपिंग में मम्मी जी का हाथ है? हमने ये कभी नहीं सोचा था कि पापा उस गुंडे मवाली रघु की बातों में आके मम्मी जी को ब्लेम करेंगे। अरे मम्मी जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पापा जी ने ऐसा क्यों किया। बस हमें नहीं रुकना इस घर में। अरे धमा जी, देखिए रुक जाइए प्लीज, हमारे खातिर रुक जाइए। नहीं मम्मी जी, अब इस घर में रुकने का कोई मतलब नहीं है। हम सब लोग ये घर छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। बस हम टिकट बुक करा कर आते हैं। हमें तो पहले ही पता था सासू माँ, जैसा जिद्दी बाप वैसा ही फेल्ड कलेक्टर बेटा, पूरा ही फेलियर है ससुरा। इस हवेली हमारा कुछ हो नहीं हो सकता, इसीलिए हमने अपना बोरिया बिस्तरा पहले से ही बांध दिया था। हम तो कहते हैं कि आप भी हमारे साथ दिल्ली निकल लो, या हमारा कुछ नहीं। चुप हो जा। हम इस बंगले को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस अब वक्त आ गया है कि हम अपने फाइनल प्लान को यूज करें। फाइनल प्लान? हाँ, फाइनल प्लान, आर्टिकल 498A। और राहुल अगर ये घर से अलग हो गया ना तो सह नहीं पाएगा, टूट जाएगा एकदम। आप जानते हैं वो बहुत भोला है, नादान है, बच्चा है। अरे हमरा बच्चा है जी, और अगर हम ही अपने बच्चे को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? माँ बाप है उसके। अरे भावुकता में आकर उसने कोई गलत कदम उठाया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा जी। सब जानते हैं मनोहर जी, ये समझते हैं कि वो बिल्कुल हम पर गया है, एकदम हमरे जैसा स्वभाव है उसका। लेकिन हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा बच्चा हमसे इतना दूर चला गया। उसका स्वभाव अपने परिवार के लिए इतना कैसे बदल गया मनोरमा जी? राहुल की आंखों में हम सबको लेकर गुस्सा नहीं, कुछ और है। जरूर है उसके दिमाग में कोई ऐसी बात बैठ गई है जिसको लेकर वो हम सब से नफरत करने लगा है। अरे आप तो उसकी माँ हैं, उसे अच्छे से जानती हैं, कैसे अदब से बात करता था सबसे। हमने सामने तो कभी अपनी आवाज ऊंची तक नहीं की, अचानक उसे न जाने क्या हो गया। काहे राहुल को मालिनी जी की सच्चाई दिखाई नहीं देती? मनोरमा जी, हमें राहुल से कोनो शिकायत नहीं है, शिकायत तो हमें मालिनी जी से है। हम तो यही चाह रहे थे, हर बार की तरह अपने बेटे को गले लगाकर प्यार से सही रास्ता दिखाएं। लेकिन हम अच्छे से समझते हैं जी, बहुत अच्छे से समझते हैं। आप भी एक बात समझिए, जब बात बच्चों की जिंदगी उनके भविष्य से जुड़ी होती है ना, माँ बाप के लिए लेकिन उकिन जैसे शब्द ना दोनों अर्थ ही नहीं रखते। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा दिखाई देता है। याद है आपको 15 साल पुरानी बात, अब भी थे ना राहुल के जन्मदिन पर उसे गलती से उसका बर्थडे का केक गिर गया था और वो बेचारा इतना घबरा गया था कि आप उसे कहीं मारेंगे तो नहीं। लेकिन आपने बड़े प्यार से उसको गोद में उठाकर ये बोला था कि गलती तो सबसे होती है, तुमसे भी हो गई। तो फिर उसने बड़े बड़े भोलेपन और संजीदगी से आपसे एक प्रश्न पूछा था कि पापा
क्या आप हमारी हर गलती पे हमें ऐसे ही माफ करेंगे? और आपने यही कहा था, हाँ बेटा, हम तुम्हारी हर गलती पे तुम्हें माफ करेंगे, कहा था ना आपने? याद है कि भूल गए आप? बस कीजिए, भूल गए, बस कीजिए मनोरमा जी। हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। हम उसे वैसे ही प्यार से गले लगाकर समझाएंगे। आज जरूरत पड़ी तो हम उसे डांट कर मार कर समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर। आप अपने बेटे को जाने मत दीजिए मनोरमा जी, उसे वापस बुला लीजिए। बिटिया जाओ, बिटिया अपने भाई को रोको, बेटा जाओ। बस कीजिए मनोरमा जी, बस कीजिए। दीदी इतना कुछ कहने लग रही हो, बाबूजी घर आ रहे हैं का? हाँ रम्या, पापा तो घर आ ही रहे, और तो और भैया को भी उन्होंने माफ कर दिया। सच? हम सब इस घर में दोबारा वैसे ही मिलकर रहेंगे। सच कहें रम्या, हम बहुत खुश हैं कि भैया अब कहीं नहीं जाएंगे। हम अभी ये खुशखबरी ना भैया को देकर आते हैं। राहुल भैया! अरे दीदी, भैया तो अभी स्टेशन गए हैं। क्या? दिल्ली के लिए टिकट कटवाने। सब लोग जा रहे हैं ना दिल्ली? हम अभी उन्हें फोन करके देखते हैं। वो हमारा फोन नहीं उठा रहे, लगता अभी भी हमसे गुस्सा है। पर अभी भी हमारे पास टाइम है, हम जाके भैया को स्टेशन पे ही रोक लेते। आज हम भैया को घर लाकर ही रहेंगे। जी, आप यहाँ? डॉक्टर साहब ठीक है? पापा आप ठीक है? अभी अस्पताल में ही है और जल्दी घर आ जाएंगे। और आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? सब ठीक तो है? ओ, हम स्टेशन जा रहे हैं। तो आइए ना, हम छोड़ देते हैं आपको। आइए आइए। जी नहीं, हम चले जाएंगे, धन्यवाद। क्या हुआ गीता जी, हमारे साथ आने में कोई परेशानी है का? और गीता जी, बुद्धिमान इंसान वही होता है जो वही करे जो उसे करना चाहिए। अभी तो हमारा राहुल भैया को ही बताना बहुत जरूरी है कि पापा ने उन्हें माफ कर दिया है। इस वक्त हमें रघु जी की बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं फिर, अगर आपको नहीं जाना। नहीं नहीं, हम चलते हैं। चलिए आइए आइए आइए, बैठिए। अरे सासू माँ, हम अभी भी गीतवा को घर से बाहर भागते हुए देखे हैं, पर वो आई कब? हाँ प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे दामाद जी, ज्यादा भड़भड़ाइए ना, और गुरैया को थोड़ा फिलाई कर देना, समझे का? समझ गया सासू माँ। आप ये बताइए, क्या बतिया किससे रही थी? वो भी इतना सिरे सिया के। एक आंसर पर बन लाएंगे। तुम ही घर में मस्ती में जीना चाहते हो कि वो दिल्ली के दू कौड़ी के भाड़े के घर में? अरे सासू माँ, हम तो इसी घर में रहना चाहते हैं बस। जो हो वही रहो, हमारे फादर इन लॉ बनने की कोशिश मत करो।
हम किससे बात करते हैं, का टाक करते हैं, ये सब पूछने का कोनो राइट नहीं है तुमको, अंडरस्टैंड? समझ गए सासु माँ, समझ गए। कभी नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, हमसे गलती होगी सारी। वेरी गुड। पर एक आखिरी बात जरूर पूछेंगे, ये ससुरा 490 है का? अरे बेकूफ, 490 नहीं, 498 है। अब देख कि हम आईपीसी एक्ट 498 के जरिए घर को कैसे किडनैप करते हैं। समझ गए, मतलब आप ही घर को हड़पना चाहती हैं। रियली मामा? वाओ, इसका मतलब यह है कि अब ये घर हमारा होगा? I just can't believe it. अरे बिलीव करना पड़ेगा बिटिया, अब बस टाइम वेस्ट मत करो और ऑपरेशन GSB शुरू कर। अभी GSB का है? घर से भगाओ ऑपरेशन। और दामाद जी, उससे पहले हमको एक काम करना होगा, घर वालों को, मेरा मतलब है फैमिली को, घर लाने का कैसे भी जुगाड़ करना होगा। ठीक। और हाँ बिटिया, वो का है ना, बस आज भर के लिए जरा गुड बहू बन गए। ओके मम्मा, आपके प्लान का पार्ट ए तो मैं समझ गई, लेकिन पार्ट बी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अरे बताते हैं, कहाँ ना बताते हैं, पर बिटिया ई प्लानिंग माँ, हमको तुम्हारा पूरा सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट। ई प्लानिंग में हम तुम्हारे साथ जैसे भी बिहेव करें, मैं एक्सेप्ट करना होगा, भयंकर होगा पर एक्सेप्ट कर। हाँ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। कहा है ना बेटिया, लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है, है कि नहीं? राम राम रघु भैया। अरे कैसे हो जगदीशवा? बस आपके छत्र छाया है, हमारा लायक कुछ काम हो तो बताइए। अभी नहीं जगदीशवा, बड़ा जल्दी में है, फिर कभी आइए। गीता जी, ये वही है रघु, रॉबिन हुड। अरे गुंडा है गुंडा, पर दिल का बड़ा हीरा है। अरे भैया ये देखो, पेपर में भी रघु, बाहर भी रघु, इसी लड़की के साथ पटना से पटाके 9-2-11 हो रहा है, क्या जमाना आ गया है। खड़े होंगे ग्यारह नहीं, 10 और 2 12, बच गए ना बेटा तुम्हारे सुंदर मुंदर चेहरा के। हुका है ना बेटा, बकरी जो है वो शेर का शिकार नहीं ना करती, समझे? हाँ बेटा, पर तुम मारो, तुम्हारा तो हक बनता है, इस शहर में तो गुंडन की गाली ही आशीर्वाद है। चाची सिर्फ तुमको ही नहीं, पूरे पटना शहर को जो है दृष्टि दोष हो चुका है, अब क्या करें हम? अरे तुम कहाँ चल रहे बेटा? क्षमा कर दो भैया, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, आइंदा याद रखना, समझे? दबा यहाँ से, चलिए चलिए अपने घर चलिए। आइए किधर? अरे आप घबराइए मत, ये सब तो चलता रहता है, और आपके भाई आपको मिल जाएंगे, चलिए चलिए चलिए। ये सब क्या है? मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ भूलकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए ससुर जी, प्लीज। अच्छा ठीक है, इस सब में खुशी मिलती है तो। थैंक यू ससुर जी। राहुल और गीता कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में होंगे जी, बतिया रहे होंगे,
और हमको पूरा विश्वास है कि गीता ने राहुल को मना भी लिया होगा। अरे मम्मा, ये क्या, ये बैग पैक लेके तुम कहाँ जा रही हो? बस बेटिया, और कितने दिन रहेंगे हम यहाँ पर, बहुत हो गया, इनफ। नहीं नहीं मम्मा, ससुर जी प्लीज मम्मा को रोकिए ना, मम्मा मुझे छोड़कर जा रही है, प्लीज कोई तो। मम्मा मम्मा प्लीज, तुम नहीं जा सकती, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है, घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारे बिना कैसे मैनेज करूंगी, ससुर जी प्लीज कोई तो मम्मा को रोकिए ना। अरे ये बुढ़ाऊ को सर तो रोकने वाला नहीं हम, और बाकी के लोग भी माटी के मूरत बने देख, लगता है जल्दी से दूसरा पिलन घुमाना पड़ेगा। दवाई का डबल किया, खत्म होता है, हमारे घर में ये सब हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे इंसान हो या जानवर, ऐसे कोई मारता है वो भी अपनी बेटी को? जबरजन, तुम भी खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, अरे हाथ नहीं झटक सकते थे उठ चुड़ैल का? अरे बुढ़िया, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी से ऐसे बात करने की? और ये सब उड़िए, हमें बचाइए इंस्पेक्टर साहब, मारते कौन है जान से? अरे इंस्पेक्टर साहब कहाँ थे आप? अरे इंस्पेक्टर साहब ही देखिए, ये देखिए क्या हाल हो गया है हमारी बच्ची का। अरे पहले काहे नहीं आए, काम ही कर जाता अगर आप पहले आते तो। देखिए ना, पूरे परिवार ने मिलकर क्या हाल कर दिया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोले, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, ये सब किया था इन्हीं का है। इतना खून कचड़ करके अब का परपंच रच रही है? अरे ढाई, अरे अपना बाप हमारे सर पे काहे थोप रहे हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ही बताइए हमको, कौन माँ अपनी बच्ची की जान ले सकती है? कौन माँ इनकी मर्जी के खिलाफ आई थी ना ये घर में, इसीलिए बदला निकाल दिया। देखिए देखिए कितना अत्याचार किया इन सभी लोगों ने। अरे बिटिया, अरे जान ले लिया हमारी बिटिया की। और ये बुढ़िया के भी सर पे खून सवार था, पहले तो चल नहीं पाती थी लेकिन मारे के टाइम पे आगे दौड़ने लग गई। अब देखिए ना उधर, देखिए खून कितना बह गया है इसका। अरे दीवार पे देखिए, दीवार पे। अरे इंस्पेक्टर साहब कहाँ करेंगे, प्रॉब्लम थी सिर्फ दहेज ही कम लाई थी ना। आप बकरी है ये? अरे इंसान के नाम पर जानवर है ये लोग,
सिर्फ पैसा देखते हैं लोग, जान नहीं देखते किसी की भी। मेरी कामयाबी तक भूलते हैं। आप सबको धारा 498A के तहत गिरफ्तार किया जाता है।